सोनबरसा ओपी थाना क्षेत्र के मौडिया गांव में गुरुवार की रात महादलित बस्ती के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। घटना रात के करीब 8:30 बजे की है। इस हमले में थाना अध्यक्ष सुनील कुमार समेत 6 से 7 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। स्थानीय कुछ लोगों का कहना है कि शराब की सूचना पर पुलिस महादलित बस्ती में छापेमार करने गई थी। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। यह भी कहा गया कि पुलिस को देखकर महादलित बस्ती के लोग उग्र हो गए और अंत में किसी तरह पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भागे। इस मामले में सदर अस्पताल पहुंचे घायल सिपाही मनोज प्रसाद ने बताया कि हम लोग संध्या गश्ती में थे, अचानक 40 से 50 की संख्या में ग्रामीणों ने हम पर हमला कर दिया। सदर अस्पताल में पुलिसकर्मियों का हालचाल जानने पहुंचे बक्सर एसपी मनीष कुमार ने मीडिया को क्या बताया, आप भी सुने। ये इसमें सोनबरसा ओपी बलवारी थे, ये गश्ती में जा रहे थे तो इनको देख के कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे, वो भागे। वहाँ मोटरसाइकिल छूटी थी उन लोग की, तो ये कोशिश इनके द्वारा की गई थी मोटरसाइकिल उसका लेके थाने पे उसका सत्यापन करेंगे। इस दौरान लोगों ने हमला कर दिया और थाना प्रभारी जो है वो थाना अध्यक्ष ओपी अध्यक्ष उनको चोटें आई हैं और एक कांस्टेबल है उनको चोटें आई हैं। लगातार सर अगर बात करें हम लोग तो पिछले दिनों सिमरी में और फिर इस बार सोनबरसा ओपी में, तो पुलिस टीम पर ग्रामीण जिस तरह से उग्र हो रहे हैं सर, क्या निर्देश दिया जाएगा? कड़ी कार्रवाई होगी, उस पर निर्देश यही है। ठीक है, सिमरी में तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, यहाँ पे चोट आ गई है और कड़ी कार्रवाई होगी इसमें। सदर अस्पताल के चिकित्सक निशांत चौबे ने बताया कि नवानगर थाना के सोनबरसा ओपी से 2 पुलिसकर्मी आए हैं, एक सुनील कुमार सिंह और दूसरे मनोज प्रसाद हैं। सुनील कुमार को गंभीर चोट लगी है जिनका प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवानगर में किया गया है। सदर अस्पताल में आने पर एक्सरे एवं सीटी स्कैन जांच की गई है। मनोज प्रसाद का एक्सरे किया जा रहा है, रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस पूरे मामले में देखा जाए तो पुलिस साफ तौर पर खुलकर बोलने से बचते नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर शराब की सूचना पर सिमरी थाना की पुलिस बुधवार को 2 अगस्त की रात दुल्लापुर गांव में महादलित बस्ती में गई थी। उस दौरान भी पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोला था, हालांकि इसमें किसी भी पुलिसकर्मी को घायल होने की सूचना नहीं है। सिमरी के घटना पर एसपी ने बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, किसी पुलिसकर्मी को चोटें नहीं आई हैं। हालांकि सोनबरसा में चोट आई है, इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। सिटी न्यूज बक्सर से संजीव उपाध्याय की एक रिपोर्ट बक्सर से। नवानगर से 2 पुलिसकर्मी आए हैं, एक सुनील कुमार सिंह और एक मनोज प्रसाद नाम के 2 पुलिसकर्मी आए थे, जिनमें सुनील कुमार सिंह को गंभीर चोट लगी है। उनका प्राथमिक उपचार नवानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया है और यहाँ आने के पश्चात उनका एक्सरे और सिटी स्कैन वगैरह किया गया है, और उनके साथ जो मनोज प्रसाद हैं उनका भी प्राथमिक उपचार करके एक्सरे किया जा रहा है। कंडीशन सुनील कुमार सिंह की गड़बड़ है, क्योंकि उनको चोट ज्यादा आई है, सिर पे चोट है, उसके लिए सिटी स्कैन करा रहे हैं, बाकी और हाथ पैर में भी इनकी चोट है, एक्सरे कराया गया है। चोट किस तरह? चोट अभी एक्सरे कराया है हमने, एक्सरे का रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही फर्दर बता पाएंगे अंदरूनी चोट कितनी है कितनी क्या है। सर कौन से? मेरा नाम डॉक्टर निशांत चौबे।